हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल विद फैशन। मैं इतनी हैप्पी क्यों लग रही हूँ, क्योंकि इस बार की जो जटकी की साड़ियाँ हैं ना, मेरे को उसने मदहोश कर दिया जब मैंने उनको पहना है। तो अपनी इस सेलेक्शन को भी एक दाद देनी पड़ेगी। एंड दूसरी चीज़ ये कि zatki.com पे आप जाओगे ना तो यू विल गेट कन्फ्यूज कि क्या लें हम, बिकॉज एक से बढ़कर एक आइटम्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। और अभी का आपको लुक कैसा लग रहा है मेरा, तो इस बार जो है मैंने जैसे इससे पहले एक बार आपको एक ट्रिक बताई थी कि यू कैन वेयर साड़ीज ऑन टी शर्ट ऑल्सो, तो मैंने अभी ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है जो मैंने सारी साड़ियों के साथ उसी को किया, क्योंकि सबके साथ चेंज कर करके बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए मैंने जो है एक ही टी शर्ट के साथ सारी साड़ियाँ पहन ली। कुछ साड़ियों के साथ बेशक मैच ना करें, लेकिन फिर भी साड़ी मेन था मोटिव दिखाना। एंड इनके ब्लाउजेस तो अभी सिले हुए नहीं हैं तो सिलवाने पड़ेंगे, लेकिन एक से बढ़कर एक साड़ी है। एंड दिस इज़ मैंने तो इसको मतलब क्या सोच के लिया था, एंड उससे भी बेहतरीन है ये, सुपर मटेरियल है इतना, मतलब इसको क्या मैं, इतना सॉफ्ट है एंड कॉटन है, एंड पहनने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे रिया है कि मैंने कुछ पहना है। इट्स सो लाइट वेट, लेकिन देखने में इतना हैवी लग रहा है एंड इतना ग्रैंड लुक आ रहा है इसमें। मैंने बोला चलो अब इसको नहीं निकालते हैं और ऐसे ही शूट करते हैं वीडियो करके। तो मैंने ऑलरेडी सारी साड़ियों को पहन के वीडियो तो शूट कर लिया, मैं एक बार आपको साड़ियाँ जो है लाइन बाई लाइन दिखा भी देती हूँ और उनकी क्वालिटी के बारे में बता देती हूँ। तो ये वाली साड़ी तो बहुत ही बेहतरीन है, एंड इसमें देखिए ऐसे टैसल्स लगे हुए हैं। एंड उसके बाद वाली जो साड़ी है वो है ये वाली। सो मैं नीचे का बॉर्डर दिखा रही हूँ, क्योंकि ऊपर तो प्लेन ही रहती है, नीचे जो बॉर्डर आता है वही हाईलाइट होता है। तो इसमें देखिए ये वाली साड़ी में ऐसे पूरी साड़ी में ऐसे फूल बने हुए हैं, एंड ये येलो बॉर्डर है, एंड इसके साथ येलो कलर का ही ब्लाउज़ पीस आया हुआ है। तो सबके साथ ब्लाउज़ पीस है आजकल जो है, पूरा कॉन्ट्रास्ट में चलता है, तो आपको अलग से ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले स्टार्टिंग में क्या होता था कि लोग जब ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि साड़ी एक कलर में होगा तो उसको अपोजिट कलर लेके आपको ब्लाउज सिला रहे हैं, आजकल जो दे रहे हैं आपको शॉप में भी या कहीं पर भी, वो आपको उसी कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं जैसे कि ट्रेंड चल रहा है। तो इसके साथ ये वाला कलर दिया है, क्योंकि इस साड़ी में ये जो पूरा ब्लाउज़ है इसमें ग्रीन दिया है एंड ये दिया, आप चाहे तो ग्रीन ब्लाउज़ भी पहन सकते हैं। और साड़ी पूरी लाइट कलर की, इसके साथ ये वाला येलो कलर बहुत अच्छा जाएगा। जो मैंने इसका zatki.com पर पिक्चर देखा था वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था इसी वाले ब्लाउज़ के साथ। तो एक ये साड़ी है, एंड उसके बाद देर इज़ अ स्काई ब्लू कलर का साड़ी। तो ये देखो ये स्काई ब्लू कलर की साड़ी है, एंड इसकी पूरी साड़ी में इस तरह से देखिए, इसको कौन सा वर्क बोलते हैं आई डोंट हैव एनी आइडिया, देखो तो दोनों साइड आपको आगे पीछे दोनों बराबर मिल रहा है। एंड जो नीचे प्लेट्स आएगी वहाँ पे ऐसे थोड़ा और एक्स्ट्रा दिया हुआ है पूरा। तो ये पहनने के बाद जब इसका प्रॉपर ब्लाउज़ वो स्टिच हो जाएगा उसके बाद तो बहुत ही बढ़िया दिखेगा। एंड ये स्काई ब्लू के साथ, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो वाइट आया है, इसलिए जो इसका ब्लाउज़ पीस दिया है वो भी वाइट में ही दिया है, थोड़ा सा ग्लेजिंग टाइप का है। सो दिस इज़ वन। एंड उसके बाद नेक्स्ट साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो बहुत ही मतलब किसी आप फंक्शन में टाइप में, छोटे मोटे फंक्शन में, बर्थडे पार्टीज़ में भी पहन के जा सकते हैं, या अदरवाइज भी पहन के जा सकते हैं, किसी को कम नहीं कह सकती मैं कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है ये वाली कम अच्छी है। तो ये देखिए इसका बॉर्डर कुछ ऐसा है, एंड इसमें दो शेड्स आ रहे हैं, एक डार्क पिंक आ रहा है और नीचे जो है लाइट पिंक आ रहा है, इस तरह से शेड है। एंड और नीचे जाने के बाद इसमें रेड शेड आ रहा है, तो तीन कलर से ये डाई करी हुई है, तो तीन कलर है आपके पास, तो आप उस तीन कलर के हिसाब से कोई भी कलर का ब्लाउज़ पहन सकते हैं। अगर अर्जेंट है पहनना, अगर टाइम है तब तो इसके साथ जो पीस दिया है वो भी सिलवा सकते हैं, लेकिन एक ही ब्लाउज़ पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग ब्लाउज़ भी पहन सकते हैं। तो इसके साथ ये बैंगनी कलर का ये बॉर्डर दिया है, एंड इसका जो ब्लाउज़ पीस है इसमें जो दिया है वो इसी कलर का दिया हुआ है। सो देख रहे हैं साड़ी एक कलर में, एंड जब ब्लाउज़ आप दूसरे कलर में पहनेंगे तब साड़ी एकदम उभर के बाहर निकलेगा उसका जो भी लुक है। देन उसके बाद ये वाली साड़ी तो बाप रे कितना अच्छा काम किया हुआ है इस पर, एंड इतनी लाइट वेट और इतना सॉफ्ट है इसका कपड़ा, देख रहे हो आप,
पूरे पूरी की पूरी साड़ी पे ऐसे ही दिया हुआ है। एंड ये जो इसके निकल रहे हैं ना, पहनने के बाद भी मैं आपको बताऊँ, ऐसे पहनने के बाद भी इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये। देखो ऐसे ही लगाया तब भी कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी आप लुक बुक देखना लास्ट में, तब बड़ा मज़ा आएगा। एंड पूरी साड़ी में ऐसे ये डॉट 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 जो बोलते हैं ना, गोटा वर्क जो भी है डिज़ाइन दिया हुआ है। एंड ये रहा इसका ब्लाउज़ पीस जो साथ में पूरा दिया हुआ है, हैंड्स और आगे पीछे लगाने के लिए। तो इस वाले में देखिए साड़ी का भी वही कलर है और ब्लाउज़ का भी वही कलर है, लेकिन ब्लाउज़ के ऊपर जो ये अलग से कॉन्ट्रास्ट में ये वाला कलर ज़्यादा आया है ना, इस साड़ी की जो ब्यूटी है वो बाहर आती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट साड़ी है ये वाली, दिस इज़ द कलर। एंड इसके साथ पूरा ऐसा बांधनी साड़ी के साथ जनरली ये वाला डिज़ाइन रहता है, तो बांधनी के जैसे दी हुई है। एंड ये साड़ी का मटेरियल इतना अच्छा है, जैसे आप साड़ी को रोकोगे वहीं पे रुक जाएगी, ऐसा नहीं है कि सरक के गिर जाएगी। इसका ब्लाउज़ है ये वाला, तो मैंने जो साड़ी पहनी है उसके साथ भी ये ब्लाउज़ अच्छा जाएगा, है ना। तो ये मटेरियल भी इसका काफ़ी अच्छा है, गोल्डन भी चमक रहा है एंड जो पिंक है वो भी चमक रहा है। सो सी द कॉम्बिनेशन, है ना। अच्छा तो ये वाली साड़ी है, ये वाली कुछ साड़ियाँ हैं। एंड आप लुक बुक देख लीजिए एंड आपको मालूम है साड़ी, एक साड़ी को पहनना ही कितना मुश्किल है। एंड वीडियो निकालने के लिए लाइन बाय लाइन हर एक साड़ी पहन के एंड प्रॉपरली पहननी पड़ती है, नहीं तो आड़ी टेढ़ी रहेगी तो अच्छा भी नहीं दिखेगा, इसलिए प्रॉपरली पहनने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप एक लाइक तो चिपका ही सकते हो ना, मुश्किल नहीं है, फ्री है, मुश्किल भी नहीं है और एनकरेजमेंट भी देगा। एंड इसको शेयर भी करना, क्योंकि अगर आपको पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को पसंद आया तो बहुत अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएगा, इससे पहले भी मैंने बताया। एंड मेरा काम है आप लोग को बताना, पर मर्जी आपकी है वेदर यू हैव टू परचेज इट और नॉट। तो मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, एंड अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी मेरी वीडियो आप मिस ना करें। तो मैं चलती हूँ अभी यहाँ से, आप लुक बुक देख लीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize.